So page 13, question 15. Two positive charges, Q1 and Q2, are located at the points with radius vectors R1 vector and R2 vector. Find a negative charge Q3 and a radius vector R3 vector of the point at which it has to be placed for the force acting on each of the three charges to be equal to 0. ठीक है, देखिए इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है. कहीं पे ओरिजिन है एंड देयर आर थ्री चार्ज पार्टिकल्स. फर्स्ट चार्ज पार्टिकल पे चार्ज है प्लस Q1 और इसका रेडियस वेक्टर R1 वेक्टर है. रेडियस वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर. ठीक है, सेकेंड चार्ज पार्टिकल पे चार्ज है प्लस Q2 और रेडियस वेक्टर है R2 वेक्टर. और एक थर्ड चार्ज पार्टिकल है जिस पे चार्ज क्या है Q3 माइनस Q3 नेगेटिव चार्ज और उसका रेडियस वेक्टर क्या है R3 वेक्टर. तीनों इस तरह से प्लेस किया हुआ है कि तीनों पे नेट फोर्स क्या है 0. ठीक है, तो तीनों पे नेट फोर्स 0 है. नेट फोर्स 0 तभी हो सकता है जब तीनों चार्ज एक स्ट्रेट लाइन पर ला करेगा. ऑलरेडी हम लोग प्रॉब्लम कर चुके हैं कि दो पार्टिकल दिया हुआ है, तीसरा पार्टिकल को कहाँ पे रखें ताकि उस पर नेट फोर्स 0 हो. तो तीसरा पार्टिकल को कहाँ पे रखते हैं, तो ऑन द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस. मतलब तीनों चार्जेस यहाँ पे कोलिनियर होना चाहिए. मतलब अगर फर्स्ट और सेकेंड चार्ज को मिला दें, ठीक है, तो इस लाइन पे ही थर्ड चार्ज होगा. अगर दो लाइक चार्जेज हो और तीसरा चार्ज पे नेट फोर्स 0 होना है तो थर्ड चार्ज को कहाँ पे रखेंगे, बिटवीन लेफ्ट या राइट, कहाँ पे, बिटवीन में. ठीक है, तो बिटवीन में थर्ड चार्ज को रख दिए विच इज माइनस Q3 और इसका रेडियस वेक्टर क्या है R3 वेक्टर. ठीक है, हम लोग को बताना क्या है R3 वेक्टर और चार्ज ऑन थर्ड पार्टिकल. ठीक है, मान लो ये वाला पॉइंट A है, ये वाला पॉइंट B है एंड दिस पॉइंट इज C. सपोज C डिवाइड्स AB इन द रेशियो लैम्डा इज टू 1. ठीक है, तो लेट AC इज टू CB इक्वल टू लैम्डा इज टू 1. और ऐसा मान लिए कि डिस्टेंस AC जो है वो है सम लैम्डा R. तो व्हाट इज डिस्टेंस BC? R, क्योंकि AC इज टू BC हम लोग क्या ले रहे हैं लैम्डा इज टू 1. हम एज्यूम कर लिए कि लेट AC इक्वल टू लैम्डा R, देन BC इक्वल टू क्या होगा R. ठीक है, Q3 पे नेट फोर्स क्या है 0. Q1 पे भी नेट फोर्स 0 है, Q2 पे भी नेट फोर्स 0 है. हम लोग Q3 पे कंसंट्रेट करते हैं. अगर Q3 पे कंसंट्रेट करें तो Q3 पे नेट फोर्स 0 है. हम बोल सकते हैं कि FCA विल बैलेंस FCB. मतलब C पे A के कारण फोर्स विल बैलेंस C पे B के कारण फोर्स, क्योंकि इस पे नेट फोर्स 0 है. कोई दिक्कत नहीं. अब FCA को हम लोग क्या लिख सकते हैं, K mod QC QA अपॉन AC का डिस्टेंस का स्क्वायर. डिस्टेंस AC क्या है लैम्डा R, तो लैम्डा R का होल स्क्वायर इक्वल टू FCB को क्या लिखेंगे, K mod के अंदर QC QB अपॉन वो डिस्टेंस क्या है R स्क्वायर. K कैंसिल आउट, QC कैंसिल आउट, यहाँ पे R स्क्वायर कैंसिल आउट. ठीक है, QA इज Q1, QB इज Q2, तो QA के जगह पर लिख दिए Q1 और मॉड हटा सकते हैं आराम से क्योंकि Q1 इज पॉजिटिव. ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या है लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू QB, QB इज व्हाट Q2, तो इक्वल टू Q2. ठीक है, तो यहाँ से लैम्डा स्क्वायर मिल गया Q1 इज टू Q2, तो व्हाट इज लैम्डा, अंडर रूट प्लस माइनस देना चाहिए. अच्छा, माइनस साइन क्या बताएगा, एक्सटर्नल डिवीजन, और प्लस साइन क्या बताएगा, इंटरनल डिवीजन.
तो पॉइंट जो है बीच में है या फिर बाहर में है? बीच में है। तो प्लस साइन लेंगे या माइनस साइन लेंगे? प्लस साइन। ये मैथमेटिक्स के ढंग से सॉल्व कर रहे हैं, फिजिक्स के ढंग से सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो लैम्डा मिल गया अंडर रूट क्यू वन इज टू क्यू टू, ठीक है। और वो पॉजिटिव वैल्यू है, तो लैम्डा इज रूट क्यू वन इज टू क्यू टू। अब देखो लैम्डा अगर आ गया, आर थ्री वेक्टर इमीडिएटली बता सकते हैं। आर थ्री वेक्टर ऐसे बता सकते हैं, आर थ्री वेक्टर इक्वल टू फॉर्मूला होगा एम आर टू वेक्टर प्लस एन आर वन वेक्टर अपॉन एम प्लस एन, सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। वेक्टर में भी सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हैं। एम इज टू एन तो पता है, लैम्डा इज टू वन, ठीक है। एम इज टू एन, ये लैम्डा इज टू वन, मतलब बोल सकते हैं कि एम का रोल करेगा लैम्डा और एन का रोल कौन करेगा? वन। तो एम की जगह पर लिख दिए लैम्डा विच इज अंडर रूट क्यू वन अपॉन क्यू टू आर टू वेक्टर प्लस एन की जगह पे वन आर वन वेक्टर, डिनोमिनेटर में फिर से एन, मतलब क्यू वन क्यू टू अंडर रूट में प्लस वन। सिंप्लीफाई किया जाए इसको, अगर इसको सिंप्लीफाई कर दें हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट क्यू वन आर टू वेक्टर प्लस रूट क्यू टू आर वन वेक्टर अपॉन रूट क्यू वन प्लस रूट क्यू टू, ठीक है। अब हम लोग कंसंट्रेट करेंगे आदर ए पे या फिर बी पे, किसी पे भी कंसंट्रेट कीजिए। क्यू थ्री पे कंसंट्रेट किए तो लैम्डा मिल गया और अल्टीमेटली क्या मिल गया? आर थ्री वेक्टर। अब हम लोग कंसंट्रेट करेंगे आदर ए पे या फिर बी पे। चलिए ए पे कंसंट्रेट करते हैं, तो ए पे भी नेट फोर्स जीरो दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ए पे अगर नेट फोर्स जीरो है तो ए पे बी के कारण फोर्स विल बैलेंस ए पे सी के कारण फोर्स, ठीक। और ए पे बी के कारण फोर्स क्या हुआ? के मॉड क्यू ए क्यू बी, और ए से बी के बीच का डिस्टेंस क्या है? लैम्डा आर प्लस आर का होल स्क्वायर, ठीक है। इक्वल टू एफ ए सी हम लोग क्या लिखेंगे? के मॉड क्यू ए क्यू सी अपॉन ए सी डिस्टेंस क्या है? लैम्डा आर का होल स्क्वायर। के कैंसिल आउट, क्यू ए कैंसिल आउट, क्यू बी इज क्यू टू और लैम्डा आर प्लस आर में आर कॉमन निकाल लिए तो लैम्डा प्लस वन स्क्वायर आर स्क्वायर। इस साइड में क्यू सी, क्यू सी तो बताना ही है और लैम्डा स्क्वायर आर स्क्वायर, आर स्क्वायर आर स्क्वायर कैंसिल आउट। तो क्यू सी का मॉड इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर अपॉन लैम्डा प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू क्यू टू। लैम्डा क्या है? अंडर रूट क्यू वन अपॉन क्यू टू। तो लैम्डा स्क्वायर क्या मिला? क्यू वन अपॉन क्यू टू, नीचे में अंडर रूट, ठीक है। क्यू टू क्यू टू कैंसिल आउट, यहाँ पे रूट क्यू वन प्लस रूट क्यू टू अपॉन रूट क्यू टू का होल स्क्वायर और रूट क्यू टू का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, अल्टीमेटली क्या मिलेगा? न्यूमरेटर में क्यू वन क्यू टू और डिनोमिनेटर में रूट क्यू वन प्लस रूट क्यू टू का होल स्क्वायर इज मॉड क्यू सी। तो इसलिए क्यू सी प्लस माइनस होना चाहिए, लेकिन प्लस माइनस में एक चीज डिसाइडेड है कि क्यू सी निगेटिव है, तो इससे क्यू सी क्या होगा? माइनस क्यू वन क्यू टू अपॉन रूट क्यू वन प्लस रूट क्यू टू का होल स्क्वायर। तो ये दोनों हम लोग का फाइनल आंसर है, ठीक है। तो ये लोग प्रॉब्लम इरोडोव का था, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पेज 13, प्रॉब्लम 19। इसमें एक पार्ट इरोडोव का है, दो पार्ट और हम ऐड किए हैं, ठीक है। प्रॉब्लम में दिया हुआ है ए थिन वायर रिंग ऑफ रेडियस आर हैज एन इलेक्ट्रिक चार्ज स्मॉल क्यू। द फर्स्ट पार्ट, व्हाट विल बी द इंक्रीमेंट ऑफ द फोर्स स्ट्रेचिंग द वायर इफ ए पॉइंट चार्ज क्यू नॉट इज प्लेस्ड
एट द रिंग्स सेंटर. ये वाला पार्ट इरोडोव का है, इसको सॉल्व करते हैं. देखिए प्रॉब्लम में ऐसा दिया हुआ है कि एक रिंग है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, और इस पे चार्ज क्या है q, और इसका रेडियस क्या दिया हुआ है स्मॉल r. ठीक है, अगर कोई चार्ज हो, कोई रिंग चार्ज हो जिसमें चार्ज q हो और ऐसे ही छोड़ दें, उसमें कोई और एक्स्ट्रा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो लगेगा नहीं. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कब लगेगा, जब कोई दूसरा चार्ज रख देंगे. अब ऐसा किए कि सेंटर पे एक चार्ज क्यू नॉट रख दिए, और दोनों पॉजिटिव चार्ज है, दोनों क्या है पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे क्या करेगा, रिपेयर करेगा. रिंग चार्ज पे क्यू नॉट के कारण फोर्स रिपल्सिव होगा. ठीक है, रिपल्सिव मतलब इस तरह से होगा कि रिंग स्ट्रेच करेगा. रिपल्सिव होगा मतलब रिंग क्या होगा, स्ट्रेच होगा. अगर मान लेते हैं ये होता है क्या बोलते हैं अट्रैक्टिव, तो रिंग क्या होता है कंप्रेस होता है. ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स रिपल्सिव है इसलिए रिंग क्या होगा, स्ट्रेच होगा. अब रिंग स्ट्रेच होगा तो जो इंक्रीमेंट इन फोर्स हुआ वो हम लोग को बताना है. पहले प्रॉब्लम को समझते हैं. क्या यहाँ पे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर अप्लीकेबल है? नहीं. क्यों? वो पॉइंट चार्ज के लिए अप्लीकेबल होते हैं. ये प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम जेई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू. मतलब इस तरह का प्रॉब्लम बहुत जगह मिलेगा. हम लोग इस तरह का प्रॉब्लम पढ़ेंगे सरफेस टेंशन में, फिर सर्कुलर मोशन में पढ़ेंगे, फिर इस तरह का प्रॉब्लम मैग्नेटिक फील्ड में होगा. तो बहुत जगह इस तरह का प्रॉब्लम होगा, सब जगह फंडा सेम ही है. फंडा क्या है वो समझिए. इस क्यू नॉट के कारण रिंग पे जो फोर्स होगा वो रिपल्सिव होगा. रिपल्सिव होगा तो स्ट्रेच करेगा. अब अगर हम रिंग में एक छोटा सा पोर्शन कंसिडर कर लें, एक छोटा सा पोर्शन कंसिडर किए, एकदम छोटा, जिसका लेंथ है ds और चार्ज है dq, मतलब इतना छोटा है कि इसको एज्यूम कर सकते हैं पॉइंट चार्ज. ठीक है, तो इस छोटा सा एलिमेंट पे इस क्यू नॉट के कारण रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा. रिपल्सिव फोर्स किस साइड में होगा, ऊपर की तरफ. यहाँ पे इस फोर्स का नाम दे दिए डी एफ. ठीक है, यहाँ पे अगर एक एलिमेंट नहीं है तो डी एफ बाहर की तरफ लगा, मतलब रेडियली आउटवर्ड लगा. अगर यहाँ पे एक एलिमेंट डी एस ले लें, फोर्स इस साइड में रेडियली आउटवर्ड, यहाँ ले लें तो इधर रेडियली आउटवर्ड, मतलब हर जगह जो फोर्स होगा वो किस तरह लगेगा, रेडियली आउटवर्ड. ये कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ये डी एफ कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. अगर कोई दूसरा फोर्स नहीं देंगे तो ऐसा होगा कि डी एफ चारों तरफ लगते जा रहा है, तो उसके कारण क्या होगा कि रिंग का साइज बढ़ने लगेगा. बढ़ते 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 अगर कोई दूसरा फोर्स नहीं देंगे तो बढ़ते जाएगा, इन्फिनिटली बढ़ते जाएगा. ठीक है, लेकिन रिंग रेस्ट में है और इसमें नेट फोर्स जीरो है. तो अगर यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किए हैं, इस पर फोर्स ऊपर में डी एफ लग रहा है, तो नीचे में भी कोई फोर्स लग रहा होगा जो इसको बैलेंस कर रहा होगा. ठीक है, वो फोर्स किसके कारण लग रहा होगा. तो इतना पोर्शन में अगर इंटरेस्टेड है तो इतना पोर्शन को छोड़ करके जो रिमेनिंग पोर्शन है उस पोर्शन के कारण इधर और इधर फोर्स लग रहा होगा अलोंग टेंजेंट. जैसे ऐसे समझो, मान लीजिए एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग से एक मास को सस्पेंड कर दिए, स्ट्रिंग में कौन सा फोर्स हो जाएगा, टेंशन. स्ट्रिंग में कौन सा फोर्स होगा, टेंशन. अगर स्ट्रिंग में यहाँ पे इंटरेस्टेड हो जाए, यहाँ पे इस जगह पे तो टेंशन यहाँ पे इधर साइड से ऊपर लग रहा होगा. ठीक है, मतलब अगर नीचे वाले पोर्शन में इंटरेस्टेड हो जाए तो टेंशन ऊपर लगेगा, और ऊपर वाले पोर्शन में इंटरेस्टेड हो जाए टेंशन किधर लगेगा, नीचे. समझिए, उसी तरह से अगर इतना दूर पोर्शन में इंटरेस्टेड हो गए, ठीक है, तो ये जो पोर्शन है इधर साइड वाला जो पोर्शन है उसको इधर खींच रहा होगा, और इधर साइड वाला जो पोर्शन है उसको इधर खींच रहा होगा अलोंग टेंजेंट. दोनों किधर खींच रहा होगा, अलोंग टेंजेंट. और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए या डिफरेंट होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए. दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम ही होगा. वो मान लीजिए टी, यही टी बताना है. ठीक है, मतलब जो इंक्रीमेंट इन फोर्स है
वो मतलब बोल सकते हैं सॉर्ट ऑफ टेंशन। हम लोग क्या बताना है? टेंशन। ठीक है, अब हम लोग ऐसा करते हैं कि इसका बड़ा फिगर बनाते हैं, मतलब डीएस को इनलार्ज कर दिए। डीएस है छोटा ही, लेकिन बस क्लैरिटी के लिए बड़ा फिगर बनाए। ठीक, सेंटर पे मान लो कि दिस मेक्स एन एंगल 2 times d theta, मतलब हाफ एंगल डी थीटा, हाफ एंगल डी थीटा। रेडियस का क्या है? स्मॉल r। सेंटर पे चार्ज क्यू नॉट, इस पे टोटल चार्ज कितना है? डी क्यू। और इसका लेंथ क्या है? डी एस। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस साइड में लग रहा है? ऊपर की तरफ। फोर्स का नाम क्या है? डी एफ। ठीक है, इसके बाद इस साइड में और इस साइड में कौन सा फोर्स लग रहा है? टेंशन। अब देखो, दिस एंगल इज डी थीटा, यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की। अगर ये एंगल डी थीटा है तो दिस एंगल इज डी थीटा, दिस एंगल इज 90 degrees डी थीटा, रेडियस टेंजेंट। अगर यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दें, अगर ये 90 degrees डी थीटा है, ये एंगल क्या होगा? डी थीटा। ठीक है, एंड बाय सिमेट्री इस साइड में भी एंगल क्या होगा? डी थीटा। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब टी को रिजॉल्व किया जाए, इस साइड में कंपोनेंट क्या होगा? टी कॉस डी थीटा, और इधर कंपोनेंट टी साइन डी थीटा। सिमिलरली यहाँ पे इस साइड में कंपोनेंट टी कॉस डी थीटा, और इधर टी साइन डी थीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कैंसिल आउट, और यहाँ पे टी साइन डी थीटा, टी साइन डी थीटा विल बैलेंस डी एफ। ठीक है, हम बोल सकते हैं 2t साइन डी थीटा इक्वल टू डी एफ। हम लोग को बताना है t, तो t इक्वल टू क्या होगा? डी एफ अपॉन 2 साइन डी थीटा। डी थीटा स्मॉल है या लार्ज है? स्मॉल। अगर थीटा स्मॉल हो जाए तो साइन थीटा क्या ले सकते हैं? थीटा। इफ थीटा इज स्मॉल देन वी कैन राइट साइन थीटा एज थीटा। तो साइन डी थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे? डी थीटा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? डी एफ अपॉन 2 डी थीटा। अगर डी एफ कैलकुलेट हो जाए तो हम लोग टी बता सकते हैं। ठीक है, जरा टेक्निक समझ के रखना है, ये बहुत जगह काम आएगा, सेम चीज। ठीक है, इसको इक्वेशन बन लिखे। अब डी एफ निकालना चाह रहे हैं, डी एफ क्या होगा? तो डी एफ इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन क्यू नॉट एंड डी क्यू। उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? के क्यू नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्यू नॉट आर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है डी क्यू में। डी क्यू पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। डी क्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, पूरे रिंग पे चार्ज कितना है? प्लस क्यू। पूरा रिंग का लेंथ क्या है? 2πr। रिंग का लेंथ 2πr और चार्ज q। ठीक है, और जिस एलिमेंट में स्थिर है उसका लेंथ क्या है? ds। तो इस पे चार्ज क्या होगा यूनिटी मीटर से? तो q अपॉन 2πr इंटू ds। 2πr लेंथ पे चार्ज q है, तो ds लेंथ पे चार्ज क्या होगा? तो q अपॉन 2πr इंटू डी एस। समझ में आ गया? अब क्वेश्चन ये है कि ds इज व्हाट? ds को डी थीटा के टर्म में लिखेंगे। ये देखो, सर्कुलर आर्क, रेडियस, सेंट्रल एंगल, थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क इक्वल टू क्या होगा? थीटा इंटू रेडियस। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटर पे जो एंगल है वो कितना है? 2d थीटा। हम लोग सकते हैं 2d थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। यहाँ से ds इक्वल टू क्या लिखेंगे? 2r d थीटा। ठीक है, तो अगर dq बताना है तो dq हम लोग क्या लिखेंगे? q अपॉन 2πr इंटू ds। 2πr लेंथ पे चार्ज q, तो ds लेंथ पे चार्ज क्या होगा? तो q अपॉन 2πr इंटू ds। तो q अपॉन 2πr और ds की जगह पे 2r d थीटा। rr कैंसिल आउट, तो 2 भी कैंसिल आउट,
2 और r कैंसिल आउट, q d थीटा अपॉन पाई dq है, ठीक है। अगर dq आ गया तो df बता सकते हैं, df क्या होगा, k q नॉट dq अपॉन r स्क्वायर, q नॉट और इस पे चार dq डिस्टेंस r, ठीक है। k इज k, q नॉट इज q नॉट, dq के बदले q d थीटा अपॉन पाई और r स्क्वायर पहले से, df आ गया, df आ गया तो t आ गया, ठीक है। तो इसे अगर t बताना है t इज df अपॉन 2 d थीटा, वेयर df इज दिस, तो t df अपॉन 2 d थीटा जब करेंगे तो d थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा और अल्टीमेटली क्या मिलेगा, k q नॉट q 2 पाई आर स्क्वेयर, दिस द फाइनल आंसर, ठीक है, समझ में आया। इसको वैसे रिवाइज करना है बार बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। इसका सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट क्या दिया हुआ है, फाइंड द इंक्रीज इन फोर्स बिटवीन टू सेमी सर्कुलर पार्ट्स ऑफ द रिंग आफ्टर द पॉइंट चार्ज क्यू नॉट इज प्लेस्ड एट द रिंग्स सेंटर, ठीक है। यहां देखिए सेकेंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, सेमी सर्कुलर पार्ट पे क्या बताना है, इंक्रीजिंग फोर्स, तो एक सेमी सर्कल पे इंटरेस्टेड हुए, ठीक है। टेंशन किधर लगेगा, डाउनवर्ड, उसका रीजन है सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज है, इसी कारण नेट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो किधर लगेगा, ऊपर की तरफ, ठीक है। और टेंशन एवरीवेयर किस साइड में होगा, एलॉन्ग टेंजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे टेंशन देखो एलॉन्ग टेंजेंट है, टेंशन कहीं पे भी सेम ही वैल्यू है, टेंशन का कहीं पे भी मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम ही होगा। और टेंशन का मैग्नीट्यूड क्या है, के क्यू नॉट क्यू अपॉन टू पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे ओवरऑल टेंशन कितना हो गया, टू टी, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि इस पार्ट का जो आंसर होगा वो क्या होगा, टू टी, और टू टी अगर उसमें पुट कर दें तो क्या मिलेगा, के Q नॉट Q अपॉन पाई आर स्क्वायर, ठीक। अच्छा एक और पार्ट, यूजिंग द रिजल्ट फाउंड इन पार्ट बी फाइंड द फोर्स दैट द पॉइंट चार्ज एग्जर्ट्स ऑन वन हाफ ऑफ द रिंग, ठीक है। देखो पॉइंट चार्ज के कारण फोर्स क्या लग रहा है, एफ, एफ किसको बैलेंस कर रहा है, टू टी को, तो आंसर क्या होगा, एफ इक्वल टू टू टी, मतलब जो सेकेंड पार्ट का आंसर है वही थर्ड पार्ट का आंसर होगा, एफ इज टू टी विच इज के क्यू नॉट क्यू अपॉन पाई आर स्क्वेयर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग इसका एक टेक्निक सीखेंगे इंटीग्रेशन करके, यहाँ पे जो फोर्स एफ निकाल रहे हैं इसके लिए एक टेक्निक सीखेंगे और वो टेक्निक क्या होगा, इंटीग्रेशन, ठीक है। यहाँ बिना इंटीग्रेशन के सॉल्व कर दिए,